हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की मॉर्निंग सुबह सुबह की चाय बनाने के साथ हो रही है। तो आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग तो आप लोग के लिए जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर किया। और अभी सुबह सुबह चाय बना रही थी, थोड़े बर्तन थे, मैंने कहा लगा दूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए ये सब करके मिलती। और आज नाश्ते में बने हुए थे वड़े, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूँ। और यहाँ पर चेरी लेट के अपना टीवी देख रही है इस टाइम। देखिए वो टेबल पे ऐसे, उसको जब भी टीवी देखती तो उसे लेटना ही। और यहाँ पे मैंने निध्यान को नाश्ता दिया था और वो टैब देख रहा था, तो मैंने उसको बोला टैब रख दो और नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम टैब देखना। लेकिन वो नहीं सुन रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारा ब्लॉग बना के डालूँगी, तो उसने कहा नहीं नहीं आप मत डालना। पर मैंने कहा नहीं डालूँगी और तुम देखना मेरा ब्लॉग। तो इसके लिए वही मैं उसे समझा रही थी, हम लोग का मजाक चल रहा था। अभी वो देखिए अपने चैनल का भी प्रमोशन कर देगा इसी में कि उसको सब्सक्राइब करिएगा, तो देखिए आप लोग भी इंजॉय करिए। वड़ा कैसा है? वड़ा कैसा है? लेट्सगो गेमिंग पर सब्सक्राइब करना, लाइक डालना और शेयर भी करना। और आपको वड़ा कैसा लगा? बहुत सही है। बहुत सही है। थोड़ा चीज़ वाला पार्ट खाओ। किधर है चीज़? अंदर। तो पोपट कर दे रहे हो। किधर है चीज़? और यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। आजकल इसे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ा है कि ये ना मोबाइल देख रही है ना टीवी देख रही है, ज़्यादातर ये बुक ही पढ़ती रहती है। और काफ़ी कुछ इसने सीख भी लिया है। तो अगर आपको भी अपने बच्चे को मोबाइल अगर छुड़ाना है तो आप उन्हें इस तरीके की क्रिएटिव चीज़ें दिखाइए, जैसे क्ले ला के दीजिए, वो क्ले बनाएंगे। और ये तो हम लोग तो काफ़ी, मतलब बुक लाने से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम, मतलब एक एक दो दो घंटे अपने बुक में बिज़ी रहती है और इसने काफ़ी कुछ सीख लिया है। कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तब ये नहीं बताती है कुछ भी, तो किसी और दिन मैं आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये पढ़ लो, ये वाली बुक, ये बुक पढ़ लो। इसके बाद शाम को मैं और चेरी थोड़ा बाहर आ गए थे। दिन भर यही सब थोड़ा बहुत कुछ कुछ रहा, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, तो मैं इस लेके बाहर आई थी। यहाँ पर आजकल बहुत बादल रह रहे हैं, धूप थोड़ा कम ही रह रही है, तो बारिश नहीं हो रही पर हाँ बादल रहते हैं। तो मैं इसको लेके आई थी, बहुत अच्छी लाल लाल धूप थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इसके साथ खेलने में और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, एंजॉय किया, उसके बाद चले गए अंदर। फिर बच्चे लोग भी बाहर आए थे पर वो तब तक मेरा कैमरा बंद हो चुका था। और मैंने एक छोटी सी रेसिपी बनाई है, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये है मिर्ची का अचार, तो नहीं कह सकते, हाँ इसको हम लोग चटनी या कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत आराम से बन जाती है। इसके लिए थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन चाहिए। अदरक मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ मिर्ची और लहसुन को ही मिक्सर में दो बार हल्का सा ऐसे चलाया है। और ज़्यादा इसे चलाना नहीं, ना पानी डालना है, ना ऑयल डालना है, ना नमक डालना है, कुछ भी नहीं। और बस कढ़ाई में हल्का सा राई का तेल डाल के इसको हल्का भुनना है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद नमक डालना है। मैंने इस बार थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, मैंने कहा कलर अच्छा आ जाएगा, तो मैंने बहुत हल्की सी हल्दी डाली थी। तो ये मिर्ची में डाली, अरे नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। और हल्का सा मैंने इसमें हल्दी, अभी आप देखेंगे मैं ऐड करूँगी। तेल मैंने शुरू में बहुत कम डाला है क्योंकि इसमें कच्चा तेल ही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो हल्का सा इसको भुनने के बाद मैं इसमें कच्चा तेल भी ऐड करूँगी। तो आप लोग ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कोई सादी सी भी सब्ज़ी उसके साथ आप थोड़ा सा ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मिर्ची मेरी बहुत तीखी वाली नहीं थी, नॉर्मल थी। तो ये उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा राई का तेल, कच्चा राई का तेल डाला है। ये गांव का राई का तेल है, हमारे आया था चेरी के लिए, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें भी डाला है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई। बस उसके बाद मैंने इसे खाना वाना खिलाया। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, आप लोग देखिए। और ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थ्री जंप कर दो, 1 2 3 जंप कर दो, 1 2 3 जंप जंप, 1 2 3 जंप, 1 2 3 कर।